अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस नील मिश्रा, पीजीटी इकोनॉमिक्स एज अ ओन सर फ्रॉम द सूरज स्कूल रेवाड़ी। टुडे आई एम जस्ट कैच अप विथ यू गाइस विद एन अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक ओनली फॉर द 12th कॉमर्स इकोनॉमिक्स। एज अ नो एज वी ऑल नो रादर आई वुड से दैट दैट अर्लियर वी हैव फिनिश्ड दैट नेशनल इनकम एनालिसिस। आई होप दैट यू गॉट द आइडियाज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दैट थिंग। अगेन आई एम जस्ट कैच अप with you guys with another important topic and burning topic too. Nowadays money or even so many since so many years in the past days in the past and very ancient decades money had done and money is play a very vital and prominent role in developing the economy. So money ke bare mein jo hum padhne ja rahe hain, so basically money ka matlab wohi hota hai, money means what really money does. मनी वही है जो मनी कर सकता है, और मनी बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। बट उससे पहले हम थोड़ा डीप डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे कि मनी कर क्या सकता है। मनी वही चीज़ कर सकता है आप इफ़ यू वांट टू परचेज एनीथिंग एनी आर्टिकल फ्रॉम द मार्केट। ध्यान से सुनिएगा, कभी भी आप कोई भी आर्टिकल मार्केट से परचेज करना चाहते हैं तो आपके पास सबसे पहले ये चीज़ होनी चाहिए। दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट, दिस इज़ समथिंग कॉमन। ओके, सो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग टू यू कि भाई मनी का मतलब वही है कि जो मनी कर सकता है। और मनी क्या क्या कर सकता है उसको उससे पहले हमको वी हैव टू जस्ट रीड अबाउट, वी हैव टू जस्ट थिंक अबाउट व्हाट द बार्टर सिस्टम इज ऑल अबाउट। बार्टर सिस्टम एज यू रेड इन क्लास 10th और द 9th इन द एरस 12 क्लासेस, तो दीज आर द बेसिक टर्मिनोलॉजीज दैट आई एम जस्ट गोइंग टू मेक यू अवेयर। मनी का बारे में सबको पता ही है कि क्या होता है मनी, बट हम थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में जाएंगे इसके बारे में कि मनी का मतलब वापस से ध्यान से देखिएगा। मनी का मतलब वही होता है जो मनी कर सकता है, और मनी क्या क्या कर सकता है। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है ध्यान से सुनिएगा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मेरे को ये पेन आपको दिख रहा है, अगर इफ़ आई वॉन्ट टू परचेज अ पेन आई शुड हैव मनी। ओके, आई शुड पजेस सम पैनी इन माई पॉकेट सो आई कुड ईजली परचेज दैट। तो मनी का पहला एम है कि भाई आपको जो ये बोर्ड दिख रहा है, आपके घर में जितनी भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी आपके घर में जो भी आप देख पा रहे हैं, वो सारे के सारे मनी से आए हैं लीगल तरीके से। तो मनी का मतलब वही है कि जो आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज के काम में आ रहे हैं। आपको कुछ भी चीज़ एक्सचेंज करनी है, आपको कुछ भी चीज़ परचेज करनी है, तो मनी की ज़रूरत है। तो सिंपल फंक्शन है, मैं कल फंक्शंस के बारे में और डिस्क्राइब करूँगा आप लोगों को। आज हम सिर्फ मनी के बारे में पढ़ते हैं कि मनी होता क्या है। तो मनी का मतलब ये व्हाट रियली मनी डज, मनी क्या क्या कर सकता है, थिंक अबाउट इट। भाई आपको अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ द बेसिक कॉस्ट, व्हाट इज़ द बेसिक प्राइस ऑफ योर शर्ट, व्हाट इज़ द बेसिक प्राइस ऑफ योर पेन, वॉट इज द बेसिक प्राइस ऑफ योर स्कूटी, वॉट इज द बेसिक प्राइस ऑफ योर पिज्जा और द ब्रेड दैट यू आर हैविंग इन ब्रेकफास्ट और द लंच और द डिनर, सो वॉट एवर दिस इज द जनरल थिंग। तो यही मैं आपसे कोशिश कर रहा हूँ कि वी नीड टू वेरी थिंक अबाउट इट कि भाई मनी होता क्या। मनी वही है जो मनी कर सकता है, और मनी क्या क्या कर सकता है, सारी चीज़ें कर सकता है। चार मेन होते हैं इसके मेन फंक्शंस, जो मैं कल वापस से डिस्क्राइब करूँगा आपके सामने। सो टुडे आई एम जस्ट गिविंग यू द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द मनी। यू All are very well known about this, that thing. Okay? So money means what really money does. Pehla money ka function hota hai exchange. Sabke samajh mein aa gayi hogi definition. Exchange ke liye. Aapko kuch bhi cheez exchange karni hai, you want to purchase anything, any of the article. You must have the money. So money ke liye sabse pehli cheez. Aur dusri definition hai ki money which is proclaimed by the law. Aapne dekha hoga, at the top of the note, at the top of the coin, one thing is being embossed. Okay, bhai, I promise to pay the bearer of this instrument so and so amount of rupees. तो और नीचे गवर्नर जनरल के साइन। तो proclaim by the law मतलब it is legally proven. But हम बात करें demonetization की, that was happened in a country in 2016, November 2016, 8 November 2016. तो जब वो money, वो time के money, that currency could be circulated in a country, डिमोनेटाइजेशन का मतलब होता है स्ट्रिपिंग ऑफ द करेंसी विच इज़ नॉट बींग प्रोक्लेम्ड बाय द लॉ। जो लॉ ने उसको प्रोक्लेम्ड ही नहीं कर रखा है, वो लॉ में लीगल टेंडर रखती नहीं। तो मनी का मतलब होता है जो लॉ उसको अपनी मोहर लगा देता, अपनी सील लगा देता, अपनी परमिशन देता है, इसी को मनी कहते हैं। भाई पाकिस्तान की करेंसी यहाँ नहीं चल सकती बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमको नहीं दे सकता उसकी परमिशन। ऑब्वियसली बात है, हमारे देश में क्या चल सकता है, इंडियन रुपीज़। आपको साइन मार्क दिख रहा होगा। तो मनी का पहला मैंने बताया आपको व्हाट रियली मनी डज, मनी क्या क्या कर सकता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सिंपल भाषा में सबसे पहला तो यही होता है। दूसरा विच इज़ प्रोक्लेम बाय द लॉ,
जो लॉ ने उसको परमिशन दे रखी कि हाँ भाई इंडियन करेंसी में आज के टाइम के जो 2000 के नोट, 200 के नोट, 100 के नोट, 500 के नोट, जिस पे इंडियन एम्बलम लगा हुआ है, महात्मा गांधी की फोटो है, विच इज़ बीइंग एम्बोज्ड ओवर दैट, तो दिस इज़ द बेसिक कंडीशन। यही मनी होता है जो प्रोक्लेम करती है लॉ, कानून ने जिसको एक तरह से लीगल टेंडर दे रखा है, जिसको आप इजीली एक्सेप्टेबल कर सकते हैं। अगर मैं आपको 2000 रुपये नोट दूँ तो आप इजीली एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिकॉज वो प्रोक्लेम्ड बाय द लॉ है। तो ये ध्यान में रखना है कि मनी का मतलब वही चीज़ है कि जो लॉ के थ्रू प्रोक्लेम्ड हो चुकी है। अभी ये दो डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होंगी कि मनी क्या क्या कर सकता है। आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा, इट इज़ समथिंग कॉमन कि भाई एक्सचेंज के लिए काम में आ सकता है। आपसे पूछे कि भाई आपके शर्ट की प्राइस कितनी है, तो वो यूनिट ऑफ वैल्यू, पर यूनिट वैल्यू पता लग जाती है। कल मैं ये डिस्कस करूँगा। उसके बाद मनी से पहले एक सिस्टम था, इसको कहते हैं हम लोग C2C, कमोडिटी टू कमोडिटी। फिर से ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा इस चीज़ में। कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज रेट सिस्टम। आपने किसी को शीप दे दी, उसने आपको मिल्क दे दिया। आपने किसी को कॉटन दे दिया, उसने उसके बदले में लेदर दे दिया। तो C2C एक्सचेंज सिस्टम था मनी से पहले। और जहाँ मनी नहीं है वहाँ इकनॉमी बिल्कुल पॉज है। ओके, इट वॉन्ट वर्क फॉर लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम। तो मनी का मतलब वही है कि जो मनी कर सकता है। और मनी का दूसरा एम है विच इज़ प्रोक्लेम्ड बाय द लॉ, जो लॉ ने उसको बनाया है। दूसरी चीज़ है बार्टर सिस्टम का दूसरा नाम, जैसे मैंने बताया आपको कि कमोडिटी टू कमोडिटी, सी टू सी, सी से कमोडिटी, कमोडिटी से कमोडिटी। वापस से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कमोडिटी से कमोडिटी। आपको किसी, आप स्कूल में भी जनरल टाइम में बोलते हैं, बोले डियर जस्ट आई ओ अ सिंगल पेन फ्रॉम यू, मतलब मेरे को एक पेन दे दीजिए, तो उसके जस्ट अगेंस्ट में वो आपको इरेजर दे देता है। भाई मुझे पेन दे दो, मेरे को आपकी इकोनॉमिक्स की कॉपी दे दो या किताब दे दो। तो यही सिस्टम था। बट बार्टर सिस्टम धीरे धीरे जो चलता गया, ख़त्म होता गया, इट हैज़ बीन वैनिश्ड आउट। उसकी जगह मनी ने ले ली अपनी पोजीशन। तो बार्टर सिस्टम से स्टार्ट होने तक सबसे पहला सारा का सारा जो चीज़ थी वो कमोडिटी टू कमोडिटी थी। उसके बाद मनी आ गया, तो मनी हैज़ रिप्लेस द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम सिंपल कमोडिटी कमोडिटी होता है एक्शन। ये फिर से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जो मनी में पॉजिटिव है वो ही बार्टर में नेगेटिव है। ध्यान रखने की चीज़ को, जो मनी में पॉजिटिव है वो बार्टर में नेगेटिव है। मनी का कल मैं आपको फंक्शन बताऊंगा, आज हम बार्टर में फोकस करते हैं। तो पहला है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी को हम स्टोर करके रख सकते हैं, एज वी ऑल नो, बैंक्स में, सेविंग बैंक्स अकाउंट में, मम्मी भी रखती होंगी सेव करके कहीं। तो इसी तरह से बार्टर सिस्टम में हम मनी को सेव करके नहीं रख सकते, क्योंकि मनी होता ही नहीं था। ये ध्यान रखिएगा, देर वॉज नो प्लेस ऑफ मनी, देर वॉज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मनी, पीपल वर एक्सचेंजिंग ओनली कमोडिटी टू कमोडिटी। तो इसलिए कोई वैल्यू को स्टोर करके नहीं रख सकते थे। ऐसा तो नहीं था कि चार गाय मैं सेविंग बैंक्स में रख दूँ, अलमीरा में रख दूँ, उसके बाद वो 5 साल बाद 6 गाय हो जाएंगी या 15 वेरिटेबल्स बन जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले नेगेटिव, जो मनी में पॉजिटिव है वो ही बार्टर में नेगेटिव है। फिर से समझा रहा हूँ, जो मनी में पॉजिटिव है बार्टर में नेगेटिव, इसलिए मैंने प्लस माइनस लगाया। तो मनी को स्टोर तो कर सकते हैं बट बार्टर को स्टोर करके नहीं रख सकते चीज़ों को, इसलिए लैक ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू। उसके बाद डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट, डबल है ये, डबल, ध्यान रखिएगा चीज़ को। डबल का मतलब, मान लीजिए आपको शीप चाहिए और आपको लेदर वाले को ढूंढना है, तो एक पॉजिटिव नहीं है कि वो दोनों एक पॉइंट में मिलें। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट दे आर इजिली अवेलेबल टू ईच एंड एवरी वन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। यू नीड टू थिंक अबाउट इट, यू नीड टू फोकस अबाउट इट, कि हमको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स का मतलब होता है कि ज़रूरी नहीं है कि दोनों एक साथ मिल जाएं, कि भाई लेदर वाले को मिल्क वाला मिल जाए, मिल्क वाले को लेदर वाला मिल जाए सेम पॉइंट ऑफ टाइम में, पॉसिबल ही नहीं। तीसरा है लैक ऑफ यूनिट ऑफ वैल्यू। भाई आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि भाई आपके शर्ट की प्राइस कितनी है, हाउ मच डज इट कॉस्ट, तो आप तुरंत बता देंगे। बट बार्टर में थोड़ी ना बोलेंगे, बोले भाई 5 रुपये का दूध दे दो और 25 रुपये का लेदर दे दो। अब बता सकते हैं, उस टाइम नहीं बता सकते थे, क्योंकि तो हम यूनिट ऑफ वैल्यू पता नहीं लगा सकते। जैसे मान लो एक पेन 5 रुपये का, तो 10 पेन कितने हो गए, 50 रुपये। अभी तो तुरंत बता देते हो आप, यू कुड एक्सटेम्परली एक्सप्रेस ईच एंड एवरीथिंग इन द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। बट वॉट अबाउट द ओल्डन डेज, वॉट अबाउट द टाइम, वॉट अबाउट द सिनेरियो ऑफ दैट बार्टर सिस्टम, यू कुड नॉट एबल टू टेल एनीथिंग एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, क्योंकि हम लैक ऑफ यूनिट ऑफ वैल्यू, हर यूनिट की प्राइस ही नहीं बता सकते। बोले आप आज बोलें भाई मेरे को आपकी कार दे दो, और उसके बदले मेरा मोबाइल दे दो, तो आज आप तुरंत बोले नहीं, कार तो ज़्यादा महंगी है। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल, बट उस टाइम भाई शीप वाले को शीप चाहिए तो वो शीप ले लेगा,
लेदर वाले को लेदर चाहिए वो लेदर ले लेगा, तो दैट्स वाई दे आर जस्ट एक्सचेंजिंग द थिंग्स, दे वर जस्ट एक्सचेंजिंग द थिंग्स। बट नाउ डेज मनी के आने से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, हम पता लगा सकते हैं पर यूनिट कॉस्ट कितनी है। तीसरा है ध्यान रखिए कि स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड, डेफर्ड मतलब फ्यूचर, डेफर्ड का मतलब होता है फ्यूचर। आज आपके फादर काम कर रहे हैं, योर पेरेंट्स आर डूइंग वर्क समवेयर एल्स, दे विल गेट द सैलरी ऑब्वियसली, बट आफ्टर डूइंग 30 डेज दे आर गेटिंग सैलरी, बट व्हाट अबाउट द वाटर सिस्टम, दे आर गेटिंग द सैलरी? नो, हम फ्यूचर का पेमेंट बाद ही नहीं कर सकते। मान लो आपने किसी 10 रुपये आज उधार लिए, उसको आप 5 दिन बाद लौटाओगे, तो कब लौटाओगे? जब पैन मनी होगा तभी तो लौटाओगे, पर मनी था ही नहीं बार्टर सिस्टम में, तो वहाँ पर स्टैंडर्ड एफर्ट पेमेंट जीरो था। आप फ्यूचर का प्रॉमिस नहीं कर सकते थे, फिर से बता रहा हूँ, फ्यूचर का प्रॉमिस नहीं कर सकते थे, इसलिए गलती मत करना। तो चारों चीज़ें यही हैं, पहला है बार्टर सिस्टम में स्टोर करके नहीं सकते उनकी वैल्यू, दोनों का मिलना ज़रूरी नहीं है, पॉसिबल हो कि शीप वाला लेदर वाले को ढूंढ पाए, लेदर वाला शीप वाले को ढूंढ पाए, मिल्क वाला कॉटन वाले को ढूंढ पाए, ये ज़रूरी नहीं है कि। पर अभी आपको मार्केट जाना है, आपको पता है आपको ये चीज़ कहाँ मिल सकती है, मिसाल मैंने आपको बताया था मार्केट में, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। बट बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं था कि ज़रूरी नहीं कि वो पर्सन मिले ही। तीसरा है यूनिट ऑफ वैल्यू, हम पर यूनिट कॉस्ट पता नहीं लगा सकते थे बार्टर सिस्टम में, और आज लगा सकते हैं। मैंने बोला था ना कि आपको कार और आपके मोबाइल का एग्जाम्पल दिया था। डेफर्ड का मतलब फ्यूचर पेमेंट, अभी तो आप 30 दिन काम करेंगे 1 तारीख को सैलरी मिल जाएगी, बट बाटा सिस्टम में ऐसा नहीं होता था, फ्यूचर का कोई प्रॉमिस नहीं हो सकता था। तो ये सारे कुछ डिसएडवांटेज हैं बाटा सिस्टम के, बट वो मनी के अंदर होते थे पॉजिटिव। आई होप दैट यू गॉट द आइडिया, बेसिक आइडिया व्हाट द मनी इज ऑल अबाउट, व्हाट वर द बेसिक डिसएडवांटेज और द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द बाटा सिस्टम, दैट वी नाउ डेज वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द मनी सॉर्ट ऑफ सिस्टम। सो दिस इज द बेसिक कंडीशन, वी हैव टू वेरी श्रूड इन दैट, कि भाई हम सारी चीज़ें ध्यान से समझें। आई होप दैट इट हैज़ बीन क्लियर टिल नाउ, व्हाट एवर आई हैव बीन टॉट टू यू टिल नाउ। इफ यू हैव एनी डाउट, इफ एनी क्वेरी, यू आर फ्री टू डिस्कस, पूछ सकते हैं आप लोग। आई एम जस्ट अवेलेबल टू यू 24/7 फॉर योर इमेंस क्वेरीज। ओके, तो एक बार जाके देखिएगा, फिर से फोकस करिएगा वीडियो इस पर, और आई होप दैट आई हैव बीन जस्ट मेक यू क्लियर टिल हियर। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन।